शाल्व का वध, सात्यकी और कृतवर्मा का युद्ध तथा दुर्योधन का पराक्रम। संजय कहते हैं, तदनंतर मलेच्छों का राजा शाल्व क्रोध में भरकर पांडव सेना पर चढ़ आया। वह एरावत के समान एक पर्वताकार गजराज पर बैठा हुआ था। उसने इंद्र वज्र के समान अत्यंत भयंकर बाणों से पांडवों को बींधना आरंभ किया। उसके बाण छोड़ने और सैनिकों को यमलोक पहुंचने में कितनी देर लगती है, इसे कौरव या पांडव कोई भी नहीं जान सके। मलेच्छ राज का वह हाथी यद्यपि अकेला ही रणभूमि में विचर रहा था, तो भी पांडव, सृंजय और सोमक उसे हजारों की संख्या में देखते थे। सब ओर वही वह नजर आता था। वह शत्रुओं की सेना को चारों ओर भगाने लगा। योद्धा अत्यंत भयभीत हो जाने के कारण अब समर भूमि में ठहर नहीं सके। आपस में ही धक्के खाकर कुचले जाने लगे। हाथी के वेग को न सह सकने के कारण पांडवों की वह विशाल वाहिनी तीतर-बीतर हो चारों दिशाओं में भाग गई। यह देख आपके प्रधान प्रधान योद्धा मलेच्छ राज की प्रशंसा करते हुए गरजने और शंख बजाने लगे। उनका शंखनाद सेनापति धृष्टद्युमन से नहीं सहा गया। वह बड़ी उतावली के साथ हाथी की ओर बढ़ा। उसे आते देख शाल्व ने द्रुपद पुत्र का वध करने के लिए हाथी को उसी की ओर दौड़ाया। तब धृष्टद्युमन ने तीन भयंकर नाराचों से हाथी को बींध डाला। फिर उसके कुंभस्थल को लक्ष्य करके उसने 500 नाराज और मारे। हाथी उन प्रहारों से घायल होकर पीछे की ओर भागा, किंतु शाल्व ने सहसा उसको लौटाकर धृष्टद्युमन के रथ की ओर बढ़ा दिया। गजराज को पुनः अपनी ओर आता देख धृष्टद्युमन भय से घबरा गया और हाथ में गदा ले बड़े वेग के साथ रथ से कूद पड़ा। इतने में ही हाथी ने रथ के पास पहुंचकर घोड़ों और सारथी को कुचल डाला। फिर जोर-जोर से गर्जना करते हुए उसने रथ को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया। उस समय पांचाल राजकुमार को शाल्व के हाथी से पीड़ित देख भीमसेन, शिखंडी और सात्यकी सहसा उसके पास आए। आते ही उन्होंने अपने बाणों से हाथी का वेग रोक दिया। उन महारथियों के द्वारा अपनी प्रगति रुक जाने से हाथी विचलित हो उठा। इसी समय राजा शाल्व ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसके सैनिकों की मार खाकर पांडव रथी इधर-उधर भागने लगे। शाल्व का यह पराक्रम देख पांचालों और सृंजियों ने हाहाकार करते हुए उसके गजराज को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर धृष्टद्युमन ने बड़े वेग से धावा किया और उस पर्वताकार हाथी के ऊपर गदा की चोट करके उसे बहुत घायल कर दिया। उस आघात से हाथी का कुंभस्थल फट गया और वह चिंघाड़कर मुख से रक्त वमन करता हुआ धराशायी हो गया। इतने में ही सात्यकी ने एक तीक्ष्ण भल्ल से शाल्व का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब वह मलेच्छराज उस गजराज के साथ ही धरती पर गिर पड़ा। शाल्व के मारे जाने पर आपकी सेना का व्यूह टूट गया। सब सैनिक तितर-बितर हो गए। यह देख महारथी कृतवर्मा ने आगे बढ़कर शत्रुओं की सेना को रोक दिया। उसे रणभूमि में डटा हुआ देख आपके भागे हुए सैनिक भी लौट आए। उस समय प्राणों की भी परवाह न करके लौटे हुए कौरवों का पांडवों के साथ घोर युद्ध होने लगा। कृतवर्मा की युद्ध कला आश्चर्यजनक थी। अकेला होने पर भी उसने समस्त पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। कौरव हर्ष में भरकर सिंहनाद करने लगे। उनकी गर्जना सुनकर पांचाल योद्धा थर्रा उठे। इतने में महाबाहु सात्यकी वहां आ पहुंचा। आते ही उसकी राजा क्षेम धूर्ति से मुठ भेड़ हुई। सात्यकी ने सात बाण मारकर उन्हें तत्काल यमलोक पहुंचा दिया। यह देख कृतवर्मा ने बड़े वेग से सात्यकी पर धावा किया। फिर दोनों महारथी एक दूसरे से भिड़ गए। थोड़ी ही देर में उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। अब पांडव और पांचाल योद्धा दूर खड़े होकर
दर्शक की भांति तमाशा देखने लगे। कृतवर्मा ने चार तीखे बाणों से सात्यकी के चारों घोड़ों को बींध डाला। इससे सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने भी आठ सायकों से कृतवर्मा को घायल कर दिया। तब कृतवर्मा ने सात्यकी को तीन बाणों से आहत करके एक बाण से उसका धनुष काट दिया। सात्यकी ने कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा उठाया और कृतवर्मा के पास पहुंचकर 10 बाणों से उसके सारथी तथा घोड़ों को मौत के घाट उतार दिया। फिर रथ की ध्वजा भी काट डाली। अब कृतवर्मा के क्रोध की सीमा न रही। उसने सात्यकी को मार डालने की इच्छा से उस पर शूल का प्रहार किया, किंतु सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से उस शूल को चकनाचूर कर दिया। कृतवर्मा हक्का बक्का सा होकर देखता रह गया। कृतवर्मा को इस दशा में पड़ा देख कृपाचार्य दौड़े आए और उसे अपने रथ में बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गए। सात्यकी रण में डटा रहा और कृतवर्मा रथहीन हो गया। यह देख दुर्योधन की सेना में फिर से भगदड़ मची, परंतु उस समय इतनी धूल उड़ रही थी कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। इसलिए आपके सैनिकों का भागना शत्रुओं को विदित नहीं हो सका। सबके भागने पर भी दुर्योधन वहां डटा रहा। वह बड़े वेग से शत्रुओं पर टूट पड़ा और अकेला होने पर भी समस्त पांडव योद्धाओं को उसने आगे बढ़ने से रोक दिया। यही नहीं, उसने शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र, कैकेयी, सोमक तथा सृंजय इन सब योद्धाओं को अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया। शत्रु पक्ष का एक भी घोड़ा, हाथी, रथ या मनुष्य ऐसा नहीं था जो दुर्योधन के बाणों से अछूता बचा हो। जैसे धूल से सारी सेना ढकी हुई थी, वैसे ही उसके बाणों से भी ढकी दिखाई देती थी। उस समय दुर्योधन ने सारी पृथ्वी को बाणमयी कर दिया था। आपके या शत्रु पक्ष के हजारों योद्धाओं में वह एक ही मर्द था। उस युद्ध में आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा गया। समस्त पांडव एक साथ मिलकर भी उसे पीछे नहीं हटा सके। उसने युधिष्ठिर को 100, भीमसेन को 70, सहदेव को 5, नकुल को 64, धृष्टद्युमन को 5, द्रौपदी के पुत्रों को 5 तथा सात्यकी को 3 बाणों से घायल कर दिया। साथ ही एक भल्ल मारकर उसने सहदेव का धनुष भी काट डाला। सहदेव ने वह कटा हुआ धनुष फेंक दिया और दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर दुर्योधन पर धावा किया। उसने 10 बाण मारकर दुर्योधन को बींध डाला। तत्पश्चात नकुल ने 9, सात्यकी ने 1, द्रौपदी के पुत्रों ने 73, धर्मराज ने 5 और भीमसेन ने 80 बाण मारकर उसे खूब पीड़ा पहुंचाई। इस प्रकार चारों ओर से बाणों की बौछार होने पर भी दुर्योधन ने पीछे पैर नहीं हटाया। उस समय उसकी फुर्ती, उसकी सफाई तथा उसकी वीरता सब सीमातीत दिखाई पड़ती थी। इसी समय शकुनी ने युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को मार डाला और उन्हें भी बाणों से पीड़ित किया। तब सहदेव राजा को अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। थोड़ी ही देर में दूसरे रथ पर सवार होकर युधिष्ठिर पुनः आ पहुंचे और उन्होंने शकुनी को पहले 9 बाण मारकर फिर 5 बाणों से बींध डाला। इसके बाद वे बड़े जोर से गर्जना करने लगे। उधर उलूक चारों ओर बाणों की बौछार करता हुआ नकुल पर जा चढ़ा। तब नकुल ने भी बाणों की बड़ी भारी वर्षा की और शकुनी पुत्र उलूक को चारों ओर से ढक दिया। दूसरी ओर कृपाचार्य ने क्रोध में भरकर बाणों की मार से द्रौपदी के पुत्रों को घायल कर दिया। तब वे भी कृपाचार्य को अपने सायकों से पीड़ित करने लगे। इस प्रकार उनमें विचित्र युद्ध होने लगा। उस समय हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से और रथी रथियों से भिड़ गए। पैदलों का पैदलों के साथ मुकाबला होने लगा। फिर तो बड़ा ही भयंकर और घमासान युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे का सामना करते हुए सभी योद्धा गरजने और शस्त्रों का प्रहार करने लगे।